मेरे को सार्वजनिक जीवन में आए आज लगभग 6 महीने हुए हैं और मुझे इस 6 महीने के कार्यकाल के अंदर जो कुछ सीखने का मौका मिला, जो कुछ समझने का मौका मिला, मैं आप लोगों से कुछ बातें सांझी करना चाहता हूं। मैं आज एक आपके बीच में एक सांसद के तौर में नहीं आया हूं, एक नेता के तौर पे नहीं आया हूं, एक भाई के तौर पे आया हूं, एक बेटे के तौर पे आया हूं। जब मैंने सांसद बना और मेरे राज्यसभा का चुनाव हुआ तो मेरे को पूरे राज्य से, कई संस्थानों से, सामाजिक संस्थानों से और ब्राह्मण समाज के संस्थानों से न्योता आया। मैंने खुशी खुशी वो सारे न्योते एक्सेप्ट किए। मेरा एक निजी दोस्त मेरे साथ था, उसने मुझसे पूछा कि आप तो विदेश में पढ़े हो, देश दुनिया में घूमे हो, आपने बड़ा व्यवसाय खड़ा किया है, मीडिया में अपना नाम किया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आप जाते हो, आपको समाज के ये छोटे छोटे कार्यक्रम में न्योता मिल रहा है, क्या आप इनमें जाएंगे? तो मैंने उसको बोला कि भाई, मीडिया में अपना नाम कमाने का या सक्षम होने का, सफल होने का क्या अर्थ है अगर आप अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने समाज के काम ना आ सकें? दोस्तों, हमारे पास हमारे इस बात का गौरव होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री के नीचे हमारे को काम करने का मौका मिल रहा है, उनकी लीडरशिप के अंदर काम करने का मौका मिल रहा है, जो कि देश और दुनिया के अंदर एक नया आयाम पैदा कर रहे हैं। हाल ही में मुझे एक भारतीय संसदीय डेलीगेशन के का हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जो एक दुनिया की संसद होती है, उसके अंदर जाने का मौका मिला, जिसके अंदर 1200 से ज्यादा सांसद 190 देशों से आते हैं। और जब मैं वहां गया और मैं अपने विदेशी सांसद साथियों से मिला, दोस्तों से मिला, तो मैंने जब उनको यह बात बताई कि हमारे यहां दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, जिसके अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है पिछले 28 महीने से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो उसने मेरी बात पे विश्वास ही नहीं किया। जब मैंने उनको बताया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन भारत में विकसित हुई और फ्री में लोगों को दी गई, तब भी उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया। आज भारत दुनिया में एक अलग पद्धति पे पहुंचा है। उसका कारण है कि हमारे विजनरी लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। मैं एक और बात साझा करना चाहता हूं आपसे। मैं व्यवसायी था, मैं मीडिया का काम करता था, तो मुझे देश विदेश में जाने का मौका मिलता था। जब मैं कभी किसी और देश जाता था और अपना नीला पासपोर्ट दिखाता था, तो हमें उस तरह की इज्जत नहीं मिलती थी। पर पिछले 8 साल से जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में भारत का पक्ष रखा है, भारत का कद बढ़ा है, आज आप अपना नीला पासपोर्ट जब निकालते हैं तो लोग अपना गौरव से भी नीला पासपोर्ट निकालते हैं, लोग उसकी इज्जत करते हैं। यह इसलिए हो पाया क्योंकि एक विजनरी लीडर हमारे देश को आज एक नई आयाम पे ले गया है। उसी तरीके से हमारे प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जिस तरह से 36 बिरादरी को साथ लेके बढ़ने का काम कर रहे हैं और अपने मूल मंत्र
हरियाणा एक, हरियाणवी एक के साथ बढ़ रहे हैं, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मेरे को सार्वजनिक जीवन में आए आज लगभग 6 महीने हुए हैं और मुझे इस 6 महीने के कार्यकाल के अंदर जो कुछ सीखने का मौका मिला, जो कुछ समझने का मौका मिला, मैं आप लोगों से कुछ बातें साझी करना चाहता हूं। मैं आज एक आपके बीच में, मैं आज आपके बीच में एक सांसद के तौर में नहीं आया हूं, एक नेता के तौर पे नहीं आया हूं, एक भाई के तौर। रेणु बाला गुप्ता जी।